आई दैया ये तो बड़ो मलाम देखो था। अरे गड्ढा हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने दोस्तों से मिलने। आप लोगों को पता है मैं लखनऊ आया हुआ था, सोच रहा हूँ लखनऊ जब हूँ यहाँ पर रुका हुआ तो अपने दोस्तों से भी मिल लूँ। काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ, आई थिंक 6 महीने हो चुके हैं तब से नहीं गया उनके पास। तो वो लोग यहीं पास में ही रूम लेकर रह रहे हैं और कोचिंग वगैरह करते हैं, तो आज सोच रहे हैं उनसे मिल के आते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। तो देखिए हम रेडी हो चुके हैं और बस निकलते हैं। आप यहाँ पर देखिए तनेश यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो उनकी पढ़ाई चल रही है अच्छे से। पढ़ाई करना ठीक है, हम जा रहे हैं तो हम निकल रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे थे और दीदी बोली कि दही ला कर दे दो जब तक, तो ये दही लेने आए थे हम लोग, दही लेकर दे दे फिर उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं और जाएंगे हम लोग ऑटो से। वैसे तो स्कूटी लेकर जाते पर स्वानी स्कूल गई हुई है और स्कूटी आ भी आने वाली है सर, पर फिर शाम को उसको कोचिंग वगैरह जाना, हमें लगता है टाइम लग जाएगा वहाँ पर क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं तो टाइम लग ही जाएगा। 6 महीने हो गए तब से नहीं मिले हैं तो थोड़ा बहुत तो देर बैठेंगे ही, तो इसी वजह से हम ऑटो से निकल जा रहे हैं। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं रूम पर, आ गए हैं ऑटो से तो उतर गए हैं, बस कॉलोनी के अंदर हैं। अब पहुंचते हैं लोगों से फिर मिलवाएंगे आप लोग। पता नहीं रूम पर होंगे कि नहीं होंगे, एक बार कॉल कर कर देख लेते हैं फिर चलते हैं। तो भैया हम रूम पर आ चुके हैं, ये हमारे राहुल भाई हैं, इनकी हालत देखिए आप। अब ब्लॉग के बारे भाग गए, अब पता है आप लोगों को हॉस्टल में लड़के तो ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे सब लड़के ही रहते हैं। तो कोई कच्चा में घूम रहा है, कोई बनियान में घूम रहा है, कोई बात नहीं है। आप जो फटाफट से कपड़े पहन ले फिर आप लोग दिखाएंगे, ऐसे तो आने वाला नहीं है। तो ये है विकास भाई का रूम, तो रूम में तो है नहीं, पता नहीं कहाँ है, देखते हैं चल के क्या कर रहे हैं। सफाई चल रही, सफाई अभियान चल रहा है। विकास भाई अभी बाथरूम में है तो अभी मिलवाएंगे आप लोगों को। विकास भैया नहा रहे हैं अभी, आप लोगों ने देखा ही है कैसी हालत में थे, तो कोई बात नहीं। ये इनका रूम है, ऐसे ही थोड़ा पड़ा हुआ है, समझ सकते हैं आप लोग, लड़के जो रहते हैं वैसे ही रहते हैं, काम चला रहे हैं बस, यहाँ पर दिन काट रहे हैं। पर राहुल भाई चाय बना रहे हैं हमारे लिए, कितने दिन बाद आ रहे हैं, अच्छी चाय बना के खिलाना हमें। चलो फटाफट से चाय बन जाए और विकास भी नहा कर आ जाए, फिर मिलवाएंगे आप लोगों को। विकास भी अभी आपने हालत तो देख ही ली विकास की। विकास भाई नहा कर आ चुके हैं, हाय बोलो भाई। हाय, और बताओ क्या हाल चाल है? सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत कैसी? फेफड़ा में पानी भर गया था, सब ठीक है, सही हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए इनने भी कपड़े पहन लिए, अभी इनकी बेइज्जती हो चुकी है तो इनने कपड़े पहन लिए, आप सही लग रहे हैं यार, कच्चा बनियान में घूम रहे थे। तो ये देखिए चाय बन गई है, राहुल भाई ने बहुत बेहतरीन चाय बनाई, आधी निकाल भी दीजिए। तो भैया चाय आ चुकी है, ये देखिए राहुल ने बहुत बढ़िया एकदम चाय लग रही है देखने में, अब पीकर देखते हैं कैसी लगेगी। तो यहाँ पर क्या मूवी का इंतजाम चल रहा है? क्या मूवी चलाई जाएगी? अच्छा, तो भाई ध्यान रखें आप लोग, ये फैमिली ब्लॉग है तो यहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? सभी लोग ध्यान रख लो, फिर तुम ज्यादा खास तौर पे रख लो। तो भैया 1 बज गया और इन लोगों का नाश्ता अब हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे ये लोग रात भर जगकर पढ़ाई करते होंगे। कितना पढ़ाई करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है देखो। तो पराठा कितने बनाया है? राहुल ने बनाया है, दाल भी बनाई है, अभी मिलेगी थोड़ी देर बाद, कटोरा लेके आ जाना। मिड डे मील बटेगा खाने आना सब लोग, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए गिटार बजाया जा रहा है, गाना गा रहा है अब राहुल भाई की बारी, अब राहुल भाई बजाएंगे गाना, कौन गाएगा गाना? कौन गाएगा? अबे राहुल तो आप ही सीख गए, पर यह है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए इंसान का। सही है, बहुत अच्छा बजाया, डालिया इन लोगों के लिए।
आप लोगों को हम अपना रूम दिखाते हैं। जब हम कोचिंग यहाँ पर कर रहे थे लखनऊ में तो कहाँ पर रहते थे, आइए आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो गाइस ये वाली आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, हम यहाँ पर रहते थे। ये बीच जो रूम देख रहे हैं गेट लगा हुआ बीच में, ये आला हमारा रूम था। तो इसी बिल्डिंग में तब हम लोग रह रहे थे, सभी लोग रह रहे थे, पर ये हमारा रूम था। फिर हमने लॉकडाउन के बाद छोड़ दिया। अब इधर ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। यहाँ से देखिए पूरा लखनऊ दिखता है। फिफ्थ फ्लोर पे हैं ये लोग सबसे ऊपर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे चंदन भाई और ये हैं सुधाकर भाई। हाय तो बोल दे यार। क्या बना रहे हो? ब्लॉग बना रहे यार। हाय बोल दो। हाय हाय दास। तो भाई यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? जनेश्वर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क। कौन कौन जा रहा? हम, राहुल, सुधाकर, चंदन, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, तो हम लोग पांच लोग जा रहे हैं जनेश्वर मिश्र पार्क। तो जूते वगैरह इन लोगों ने पहन लिए हैं, नीचे देखते हैं वो लोग तैयार हुए कि नहीं हुए हैं। भाई हम लोग आ चुके हैं बाहर, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। चंदन भाई हमारे अभी आए नहीं है, वो पीछे आ रहे हैं। देखो ब्लैक टी शर्ट में चलते चले आ रहे हैं। भाई हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं पैदल। अभी हम लोग का उड़न खटोला आने वाला होगा। अभी हमारी बस आ रही है, देखो वो निकल गई यार, दूसरी बस आएगी उसमें चलेंगे। हम लोग जाते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क। हम राहुल, सचिन, चंदन, सुधाकर और रिक्शे वाले भैया जी, मतलब आड़ी वाले भैया जी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हमारा उड़न खटोला आ चुका है। तो विकास बैठे हुए हैं, राहुल भाई आगे बैठे हैं, सुधाकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये चंदन भाई हैं। हम चलते हैं फिर उसके बाद मिलेंगे आपको। यहाँ पर शोर बहुत मच रहा है। हम लोग आ चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क। चंदन भाई हैं और इधर जो लोग निकल गए पीछे, विकास जा रहे हैं, ऑटो वाले को किराया दिया जा रहा है। विकास भाई टिकट ले रहे हैं हम लोगों के। अरे यार तो यही बैठे हैं, हमें उसको 200 दे दो, भागते रहे यार, खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे। तो पे फोटो खिंचाएगा। तो यहाँ पर बच्चों को लग रहा पिकनिक के लिए लाया गया है। तो काफ़ी सारे बच्चे दिख रहे हैं स्कूल के, पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो हम लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में आ चुके हैं और ये सभी लोग भाई लोग हमारे साथ में। अभी भाई यार तुम्हें गिटार लेके आना चाहिए था, एकदम बजाना चाहिए था, सभी बच्चों को एंटरटेनमेंट कर दे। सिल्की सिल्की होती है, देखो मुझे चमकीली चमकीली समझ लेना चाइना की है। अच्छा, हाँ। मछली चमकीली होती है, एक कांटा ही होगा, सीधा सीधा एक कांटा। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लद्दाख गए थे हम लोग तब खाए थे इसको। चल एक कलर्ड वाली तो भाग भी गई तेरे आते ही। वो कौन है? वो देख, वो देख, बोलो बोलो भाई। फोटो ना बना दो, बनाते रहो बनाते रहो। अभी चल रहे हैं हम लोग आगे, पूरा जनेश्वर घूम के आएंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ, मोर है, मोर है, गजा विहार, गजा रेगान का चश्मा, कश्मीर में आ गया भाई, गजा पीपल, इन्हें इतना अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे लेट गए आराम करने लगे अभी से। कैसा लग रहा है राहुल? एक नंबर भाई, एक नंबर। अगर जो कोई देख रहा है ना तो भाई आना जरूर यहाँ पर, ठीक ना? हमारे शाहजहांपुर हरदोई वाले तो जरूर यार। भाई साहब बहुत अच्छा सेल्फी ली गई है, मजा आ गया। कैसा है फोटो? बहुत तगड़ा फोटो है, बिलर मार के एकदम। चंदन ने बिलर मारा बहुत तगड़ा, पूरी कार कब्जिया ली। ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है यार।
कौन कौन मूत्र विसर्जन करने चलेगा? विकास विकास को बहुत तेज लगी, विकास आगे आगे जा रहा है, विकास जल्दी जा रहा है। चंदन भाई महिला वाले में चले गए। चंदन चंदन, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों ना, अब ना लेके आना है इस पार्क में। क्या होता है यहाँ, बहुत गंदे गंदे काम होते, देख रहे हो? चला कटरीना का शूटिंग कर रही है। गिर मत जाना, दांत बाहर आ जाए तुम्हारे। लेट के चला, उल्टा लेट के चला। कैसे चलेगा ये? क्या टूटा हुआ है? ये तो टूटा हुआ है, वो चला रहा हो देखो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, एक 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 आगे पीछे, वो हाथ से चलाना है। ये क्या चलाओ? एक मरीज वो वहां बैठा हुआ है। चलाओ। बहुत सही है। ये देखो छोटा सा बच्चा खेल रहा है। ये देखो तोड़ दिया, ये सारा तोड़ दिया देखो। तो बच्चे सही कर रहे हैं झूले को। हाँ अबे बटा लो। कितना वोल्टेज देगी? जे मरीज एक साथ में आए, हर जगह जाके लेट ही जाता है, और इसे अच्छा खासा झूला भी मिल जाता है लेटने के लिए। हाँ चला विकास, 1100 वोल्टेज देना चाहिए। तुम कितना वोल्टेज दोगे? कम से कम 10,000 वोल्ट। क्या करंट निकलता हुआ? पूरे जनेंद्र पार्क की बिजली बना देगा आज। सही चढ़ो या फौजी होता ना चढ़ो। ले ओ यार क्या बात करती है, बस यार इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। वो बाल गाड़ आ रहे पहले के बोल पहले। ओए गार्ड आ रहे हैं पहले के लोग को। आओ उधर गार्ड अंकल आ रहे हैं। गार्ड अंकल कुछ नहीं कहेंगे यार, गार्ड अंकल क्या कहेंगे, कहेंगे जो बच्चों के लिए है, हाथियों के लिए नहीं है। ये हाथी हथनियों के लिए नहीं है, इसमें बैठने वाला भी है, बैठ जाओ जाके। हाँ हाँ इसमें बैठ जाओ, आराम कर ले थोड़ी देर। लड़ लो पहले फिर खाना। इधर लाओ, वो खाने लगा। लो आओ, क्या आलू कैसे है यार तुम लोग, सुधाकर तो दो। अब उनने यार पूरा ही ले लिया, इधर लाओ। जो पीछे पता नहीं क्या करने गया। यार हम आएंगे तो पीछे क्या नहीं खाओगे? तो क्यों खा रहे हो? बढ़िया बज रहा है, एकदम बढ़िया साउंड बज रहा है। तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही बड़ा पार्क है। 1% हम लोग घूमे अभी, सबसे बड़ी बात तो वाटर प्रूफ है। बारिश अगर बारिश होती भी है तो हम लोग सेफ रहेंगे यहाँ पे। दो तीन हमारे ऊपर नहीं पानी की बूंद देखिए। और ये ओला आता हुआ सामने से कैसा लग रहा है तुम लोगों को आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। फोटो अब जो है एकदम क्लियर आ रहे हैं सभी के।
और यहाँ पे फोटो का बहुत ही बढ़िया रोमांस बना है आजकल। इधर ही लोगों फोटो खींचते हैं, दिखाएंगे इधर तुम लोग यूएसए में घूम रहे हो भाई। थोड़ी बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा, कैसा लगा आपको? एक नंबर, ऐसा लगना चाहिए यूएसए में घूम रहे हैं। मोहल्ले वाले जला दे थोड़ा बहुत बोलो तो मोहल्ले वाले कहते साले पढ़ते लिखते तो है नहीं। जे नीचे दो यार भाई, खींच दो यार। हाँ उसके किनारे किनारे चलेंगे अब, ठीक है भाई। फोटो खींच दो यार, चलो चंदन एक फोटो खींचते सामने दिखना चाहिए। आ जाओ पबजी चल रहा, पबजी जे बंदा 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 आ गया, बंदा भाग भाग भाग, वो उधर आ गया। हाँ हाँ हम लोग जंगलों से बाहर आ गए हैं। तो गया ही नहीं, थक चुके हैं। विकास ने डंडा ले लिया है, चलते चलते इनकी आंतें बाहर आने लगी हैं और हम लोग भी थक गए हैं, पसीना आ गया बहुत ज्यादा और रात भी होने वाली है। तो गाइस हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा, ये देखिए आप लोग। भाई साहब हम लोग इतना थक चुके हैं ना कि अब किसी बोला तक नहीं जा रहा, को ये तक नहीं कह रहा कि हम बहुत थक गए और ये चुपचाप चल रहे हैं। आपस में भी बात नहीं करी जा रही है, कोई आपस में भी नहीं बोल रहा है। अब मारा का पता है गेट भी नहीं मिलने वाला, अब तो एग्जिट, हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे। अभी एक जगह का वहां रास्ता ही खत्म हो गया, एग्जिट ही नहीं मिल रहा है, वहां पर एग्जिट ही नहीं मिल रहा यार। आए तो कितना खुश हो गए थे, हम लोगों के मुंह लटक गए। हम लोग सोचे थे घूमेंगे घूम मजे करेंगे, भाई बहुत थक गए यार, घूम ही नहीं पाए। मजा तो आया पर फटाफट से पहले निकलने का रास्ता ढूंढ लो, पता चले लॉक लग जाए, हम लोग अंदर रह जाए। नहीं खुलवा दिया जाता कोई अंदर रह जाएगा तो जैसे कोई सवारी रह जाती है तो उसे निकलवा दिया सवारी सवारियां उतार उतार सवारी कोई सवारी रह जाती तो उसे निकाल दिया जाता है। हजार फ्री वन का टूर बना लिया हम लोगों ने, मगर भाई मजा बहुत आया, बहुत ही बढ़िया जंगल था। जाना चाहिए जनेश्वर पार्क, आना है सबको, आना है घूमने आना है लखनऊ। हम लोग का नेक्स्ट ट्रिप अगले दिन यहाँ हो सकता है, अगले संडे को अम्बेडकर पार्क रहेगा, तो फिर हम लोग वहां जाएंगे। और वो भी फिर इसके नेक्स्ट नेक्स्ट संडे रहेगा अमामबाड़ा रहेगा, फिर इसके नेक्स्ट संडे रहेगा लुल्लू माल, हाँ लुल्लू माल भी दिखाना आप लोगों को। फिर इसके नेक्स्ट संडे रहेगा आनंदी वाटर पार्क, फिर इसके नेक्स्ट संडे रहेगा गोमती नगर रिवर फ्रंट, साइंस सिटी, साइंस सिटी भी दिखाएंगे और फिर उसके बाद रेजिडेंसी भी है यहाँ पर सबसे फेमस, विद अपनी कॉकरोच पार्टी के साथ, पूरी कॉकरोच पार्टी हम लोग के साथ में रहेगी। कॉकरोच पार्टी आप लोग देख लीजिए, विद कॉकरोच पार्टी के साथ जाया जाएगा घूमने के लिए। और भाई साहब घूमना फिरना तो चाहिए, है ना, लाइफ में टेंशन किसके नहीं है भाई, हर हर इंसान परेशान है दुनिया में। ये देखो मेरा भाई टेंशन कितने डिप्रेशन में रहता है लेकिन फिर भी घूम रहा है, फिर भी घूम रहा है, क्या घूम रहा है, घूमना चाहिए। ये देखिए डिप्रेशन का एक शिकार ये भी है, देखिए आंखों में काला काला हो गया लेकिन फिर भी जी रहा है, पता नहीं कैसे, पता नहीं कहां से ऑक्सीजन। भाई दैया ये तो बड़ो मलम देखो ना, अरे दादा ये तो बड़ो मलम, तुम्हारे गांव लगा हमारे गांव में तो मलम पहले को भैया, ये तो बड़ो बहुत लगे हैं उधर देख आगे, अरे दादा मलम भाई मलम पेते थे बड़े, एक खोल ले चलो अपना गांव रोशन करेंगे। ओ भाई बहुत ज्यादा थक गए, अब आ पाए हम लोग। ओ इतना बड़ा पार्क घूमते घूमते थक गए, पैरों में इतना दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। और राहुल कैसा लगा? सबकी हालत खराब हो गई है, सब लेटे हैं अपने अपने रूम में जाके। ओ अभी तो हमें कपड़े भी नहीं चेंज करे, चेंज कर लें फिर मिलते हैं आप लोगों को। गाइस हम लोग कपड़े वगैरह चेंज कर चुके हैं और अब खाने की तैयारी हो रही है, आज हम आ गए तो इन लोगों को पता है हम बना खिलाए ने, तो फरमाइश आई है कड़ी की, तो यहाँ पर कड़ी की सारी तैयारी हो चुकी है, अब कड़ी बनेगी। और ये राहुल आई है हमारे और लोग अपने काम में लगे हैं, कोई चावल बनाएगा हम कड़ी बना दे रहे हैं, चावल नीचे बनेंगे सुधाकर के रूम पे। देखिए आप लोग आज कड़ी बनाना भी सीख लेंगे, हॉस्टल में तो शायद ही ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मतलब हॉस्टल जो है कड़ी खा रहे होंगे,
ज्यादा अच्छे तो निकल नहीं है यहाँ पर काम चलाओ बना रहे हैं, मन है तो खाएंगे जरूर। तो मतलब ये है कि आप लोग भी मतलब बढ़िया से बनाइए सब कुछ, एक ऐसा दोस्त रखिए सचिन जैसा, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो, और मतलब शेयर भी कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। अरे हम लोग सब लोग ऐसे ही रहते हैं यार भाई, ये हॉस्टलर के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो भैया हमारी यहाँ पर कड़ी बनने वाली है, हम पकौड़ी बना ली है और ये भी तैयार हो गया है, अब पकौड़ी इसमें डाल दें और बस कड़ी हमारी तैयार। बहुत तेज से भूख लगी है और थक भी गए बहुत ज्यादा हम लोग आज। तो भाई हमारी कड़ी बन गई है, ये देखिए आप लोग, बस गैस बंद करते हैं फिर हम लोग खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। तो भाई साहब यहाँ पर कड़ी चावल बन चुके हैं, विकास सबको परत रहे हैं, सबकी थाली लग चुकी है यहाँ पर। बताते रहना राहुल, मना कर देना भाई। राहुल मना ही नहीं करेगा। सुनना से नहीं। खाना पीना खा चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गए हैं। यहाँ पर देखिए राहुल भाई तो लेट गए आराम कर रहे हैं, विकास भी लेट गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताना, और लाइक करें सब्सक्राइब करें और सचिन को सरप्राइज दें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लखनऊ में अगली जगह कहाँ जाए ये भी बताना, ओके। हाँ आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर आपकी घूमने जाए और कहाँ का ब्लॉग आप लोगों को चाहिए, तो अगला ब्लॉग आप लोगों को जल्दी मिलेगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।